देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, कई राज्यों ने, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, पंजाब भी शामिल है, पश्चिम बंगाल भी शामिल है, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा कई सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स ने उठाया कि क्यों जीएसटी को पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लाया गया है। 7 जुलाई को एक नोटिफिकेशन इशू होता है जिससे पूरे जीएसटी के नेटवर्क को, जीएसटीएन को, पूरी जीएसटी की व्यवस्था को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लेके आया जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो लोग भी जीएसटी भरते हैं, चाहे आपका छोटा सा छोटा बिजनेस हो या बड़े से बड़ा कंपनी आप चलाते हैं, अब आपको पीएमएलए के तहत ईडी प्रोसिक्यूट कर सकती है। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी मजबूरी वश कोई ऐसे व्यापारी हैं जो अगर जीएसटी नहीं भर रहे हैं, अब सिर्फ जीएसटी उन पे केस नहीं करेगी, ईडी उन पे केस कर सकती है। और हम सब ने देखा है कि किस तरह से ईडी को इस्तेमाल किया जाता है लोगों को परेशान करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, महीनों तक बेल ना देने के लिए। तो अब देश के करोड़ों व्यापारियों पर क्या ईडी के केस चलेंगे? जो व्यापारी हैं और जो बिजनेसेस हैं, क्या वो इकोनॉमी को बढ़ाएंगे या क्या वो अब अपने आप को ईडी के प्रोसिक्यूशन से, पीएमएलए में प्रोसिक्यूशन से बचाएंगे? हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और बहुत सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स ने विरोध किया है, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो, सबने डिमांड करी है कि इस पर, तमिलनाडु हो, कि इस पर जीएसटी काउंसिल में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन तीखी बहस के बावजूद अभी तक केंद्र सरकार और जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, इस पर चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो हमने आग्रह किया है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, चाहे मीटिंग कितनी भी लंबी चले, करोड़ों व्यापारियों की जिंदगी, देश की अर्थव्यवस्था इससे जुड़ी हुई है।